दिले कि हमार भइया दिवा बुता गइलो दादा एके को भइया रल एके को भइया रल चाची रोई मत चुप चुप मिल 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 ले हमरा भइया के दे दलो दादा हमरा भइया के दे दलो बोले थे जे हमारे पति से झगड़ा मत करना, हम पाप के बदला पैसा देंगे लेकिन उसको झगड़ा मत करना। फिर भी वहाँ का लेकर काज ने उसको मार पीट कर सब मिलकर घायल करके काज ने कहाँ छिपा दिया, लेकिन हमारे पास नहीं, हम जानते हैं जे कहाँ दिन हो गया। आज तीन दिन हो गया था, चौथा दिन तो रउआ लेन उनकरा लो से पूछी लो जिन पकड़ाइल बड़े उ बताइए जे का कोइले बड़े कहाँ रखले बड़े कवना हाल में रखले बड़े तो कहाँ गए। और अभी 48 घंटे हो गए हैं, जितेंद्र यादव का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार अपना काम कर रही है, अब देखना होगा कि जितेंद्र यादव कहाँ है। सर आप गोपालगंज फोकस देख रहे हैं और आपको बता दें कि कुचायकोट थाना क्षेत्र के बनिया छापर में एक युवक का रहस्यमय तरीके से गायब हो गया है। तीन दिन हो गया गायब हुए हुए, लेकिन अभी तक उनकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। और उनकी पत्नी है, यहीं पे वो खेत पटा रहे थे, जिसके दौरान उनको कुछ लोगों ने पीछा किया, उसके बाद वो तीन दिनों से नहीं मिल रहे हैं। उनकी पत्नी से बात करते हैं। कब का घटना है? 7 बजे रात को, परसों 7 बजे 9 बजे 9 बजे रात को हुआ था। क्या करने आए थे आप? पटौनी कर खेत रोपाने के लिए आए थे, लेकिन इन लोग चारों बगल से मार कर बिक दिया कि क्या किया हमको पता नहीं। हम कौन लोग पीछा किया? पीछा किया मुकेश है, महेश है, गौरी जगन्नाथ राम विकास प्रसाद विकास है, तीनों चार पांचों सात लोग मार के इसको काज ने क्या फेंक दिया, लेकिन हमारे पास हम नहीं जानते हैं कहीं ना हमारा सब सूचना नहीं मिला है। देखिए आपने FIR दर्ज कर दिया है थाने में हम केस कर दिए जी। इन्होंने थाने में भी आवेदन दे दिया है, और देख सकते हैं कि बिहार पुलिस जो गोपालगंज की पुलिस है कितना एक्टिव है, और इस केस को लेके जो थाना प्रभारी साहब वो भी यहाँ पे एक्टिव है, मौजूद हैं, और वो काफी इसमें खोजबीन कर रहे हैं कि इनके पति मिल जाए। और इनके पति कुछ भी नहीं है, इनका पति हमारे पास आ जाए बहुत समय से आधे ओकरा अलावा कुछ भी नहीं। क्या मिला है यहाँ पे? चप्पल मिला है, चप्पल पास में मिला है, चप्पल उसके घर पे जो मारा गया उसके घर पे मोटरसाइकिल है, उसके घर में मोटरसाइकिल है, और बाकी लोग फरार में चल रहे हैं। मतलब क्या उनसे आपसे दुश्मनी थी? पहले का मालूम नहीं, उन लोग का कोई जमीन के लेकर थोड़ा लफड़ा था, यही चल रहा था। वो लोग कल धमकी दिए अभी कुछ आज कुछ होएगा, वही अभी 36 घंटा हो गया, अभी कोई भी सूचना नहीं मिला है, कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ है। कार्रवाई तो सर कर रहे हैं, अपना काम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी 36 घंटा हो गया, अभी हमारे घर का सदस्य कहाँ है हम जानना चाहते हैं। अच्छा, तो वो भी तो ढूंढ रहे हैं, आपके साथ ही है वो भी? जी सर, आपके हमारा तो उनका कोई दोस्त नहीं है? नहीं सर का कोई दोस्त नहीं है, अभी बाकी लोग जो फरारी में चल रहे हैं उनका उन लोग का भी गिरफ्तारी होना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए कि जो अरेस्ट जो मतलब उनके घर से पहले आपका क्या झगड़ा हुआ था? सर उसके पास घर दुश्मनी था, ये जो पाइप लिया था वो मांग के लिया था, लेकिन पाइप फूट गया, कोई गाड़ी वाला चढ़ा दिया था, पाइप फूट गया तो कहे थे जो हमारे पाइप दी, तो हम बोले थे जो हमारे पति से झगड़ा मत करना, हम पाप के बदला पैसा देंगे लेकिन उसको झगड़ा मत करना। फिर भी वहाँ का लेकर काज ने उसको मार पीट कर सब मिलकर घायल करके काज ने कहाँ छिपा दिया, लेकिन हमारे पास नहीं, हम जानते हैं जो कितना दिन हो गया। आज तीन दिन हो गया था, चौथा दिन हो गया। आप उनकी बहन है? हाँ। आपको कब ये जानकारी प्राप्त हुआ? हमारा कल शाम के। अच्छा, शाम को जानकारी? हाँ, कल शाम 3 बजे। तो देख सकते हैं गांव के बहन बड़ी है जानकारी पूरा। बताई क्या? बताई कब रो भाई के मतलब का? परसों 9 बजे रात खन के घटना घटल बा। तो हमनी के रात में तो पता चल गए तो कहीं वही तो आ जाइए, जब ई लोग कहुए लो जो पिठियनी है सन, तो जब पिठियनी है सन तो रहुए लो भाग नहीं लो, वो कहाँ चल गई ले, इतना एरिया में वो कहाँ चल जाइए। अच्छा, उनका चप्पल है जमीन? हाँ है जी, नदी में इसी नहर में चप्पल मिला है, और देख सकते उस पर चप्पल मिला है, और उस व्यक्ति का चप्पल मिला है जो आज तीन दिनों से गायब है। उनका चप्पल इस नहर के जो यहाँ पे देख सकते हैं कोना में उनका चप्पल था। और उनका गाड़ी कहाँ मिला था? उनका घर पर है, किसके घर पर? जगन्नाथ के घर में थी गाड़ी मिली हुई है। तो पूछवी सन हम जो गाड़ी कावना जुलूम में रखले बड़ो आ, तो पाइप ले गल हन, तो हम वही में रखले बानी, हमार पाइप फोड़ले बड़े। हम कहीं कि अच्छा ठीक बता, पाइप मिल जाये
आदमी कहाँ बा बताओ लोगी, तू ही लोग चहट गए मरुआ लोगी, तो आदमी कहाँ बा छिन तो जब आदमी के ना बतवे लो कहे लो जे भाग गौ तो भाग गौ तो कहाँ भाग गौ एक जवाब लो दे लो जे भाग के कहाँ गौन भगौले हुए लोन बलो तो कहाँ भागल लाठी डंटा लेके हाँ डंटा लेके लाठी लेके चार पांच जना उनकर भाई बलोन सासा मुसा एक जना दुकान कैले बड़े उ आई रहन वजह से बैटरी के दुकान कैले बड़े उ आई रहन उहे अवन तो बात बढ़ू है जौन कुछ सासा मुसा रह उहे अवन तो बढ़ू भाई का मतलब है सर इधर से लोग आया है इधर से लोग आया है बीच में उसको कर दिया है मार दिया है मार के और उसके बाद काज ने वो कहाँ भगा दिया है उसका कोई तो है नहीं आदमी हमारा है नहीं यहाँ पर मिल नहीं रहा है लो है ना उसको हमको आज तीन दिन हो गया संकल कि मार दिया है लो हाँ मार के उसको काज ने कहाँ नहीं पता कर दिया है लो जिंदा रख लो चाहे मुता रख लो पूछू हमने के ना किसे जाना था हमार भाई चाही बस हमनी के शक्ति नहीं है कुछ करे के हमरा भाई के खाली दे देलो चाहे मुआवला रख लो चाहे जिंदा रख लो खेलो बस इतने हमनी के कुसमत बा कि हमार भाई चाहे बस भाई खाते तो हालत खराब हां भला हम मर गई रहती लेकिन हमार भाईवा दीवा बुता गइल हो दादा एक एक भाईवा रल एक एक भाईवा रल चाची रोई मत चुप चुप मिल जे मिल जे मिल जे हमरा भाईवा के दे दलो हो दादा हमरा भाईवा के दे दलो रउवा पूछला से इहे फायदा नहीं खे कि मानता नहीं कि हमनी के तो जोहत न मानी स तो रउवा लेन उनकरा लो से पूछी लो जिन पकड़ाइल बड़े उ बताइए जे का कइले बड़े कहां रखले बड़े कवना हाल में रखले बड़े तो रउवा लोगिन उनकरा पर जोर दो के पूछी ना यार चौ कहतर कि हम कहतर कि हम दौड़ले बनी हमनी के रखी जान काहे ई बात कह दिए जे हमनी के दौड़ले बनी सुहे लो जानत लो हमनी के नहीं कि महेश के हाथ बा महेश आगे बाड़े महेश मुकेश रखले बा गौतम बाड़े जगन्नाथ राम पांच सात जना मिल के घेर के चारू बगल से काजले कहां ताको देले बलो तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तमाम उनकी पत्नी है और उनकी बहन है और गांव के तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और उनके भाई को खोज रहे हैं। तो जी जो जितेंद्र यादव हैं वो कैसे व्यक्ति थे? वो खेती गृहस्थी अपना करते थे। धान रोपन जाना लगा के वही जू से हमरा भैया के झगड़वा कह के कहा नल पर कैले बालो हो दादा ना केहू से नखन कैले झगड़ा लड़ाई आज तो केहू से झगड़ा लेनी ना झगड़ा लड़ाई नखन कैले शाम के 2 बजे 4 बजे 5 बजे चल चल जाए कहीं रहन चल जाए भाई केहू झगड़ा झगड़ा ना करत लओ भाई आदमी यहां पे लगातार पुलिस प्रशासन जो है गोपालगंज से आगे जा दौड़ के जा आगे जांच चल जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि जितेंद्र यादव के साथ आखिर में हुआ तो क्या हुआ। अब ये जांच का विषय है, पुलिस इसमें जांच कर रही है, कुछ हाईकोर्ट थाना भी यहाँ पे मौजूद है और तमाम अब ये जांच का विषय है और जांच के बाद पता चल पाएगा कि जितेंद्र यादव गए तो कहाँ गए और अब अभी 48 घंटे हो गए हैं, जितेंद्र यादव का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार अपना काम कर रही है, अब देखना होगा कि जितेंद्र यादव कहाँ है और लगातार पुलिस प्रशासन अपना काम कर रही है। आप गोपालगंज फोकस देख रहे थे और कुछ हाईकोर्ट थाने ने आपको बता दें कि इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है जिनसे पूछताछ चल रही है और अब पूछताछ के बाद ही पूरा 4 लोग एक अंकित आगे चल रहे बोली आपका भी रिपोर्टिंग हमको लेना है कुछ कि आप इसमें आप सच्चाई बोल सके हम लोग सच्चाई जान सके कि हमारा चाचा का इंतकाल जैसे हुआ हुआ 3 दिन में मिले नहीं 3 दिन में आप लोग रिपोर्ट क्या दे रहे हैं वो भी हम लोग जानना चाहते हैं कि आपके सहयोग से आप साहब हैं तो आप उसका रिपोर्ट दिलवा देना तो इसके आगे तक हम लोग कदम बढ़ाएंगे। मतलब वो अभी जिंदा है कि नहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा है, पुलिस जांच कर रही है, अब जांच के बाद ही सामने खुल के आएगा, जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि जितेंद्र यादव कहाँ है। बाकी आप गोपालगंज फोकस देख रहे थे, वीडियो को अंत तक देखने आप सबको दिल से धन्यवाद, नमस्कार।